हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक फतेह खान। आज आप लोगों को हिंदी विषय का प्रथम पाठ के रूप में चर्चा करूंगा। आप लोगों के बीच ये जो प्रथम वीडियो है, जिसके कारण से बहुत देरी हो चुकी है ना, जिसके कारण से मैं आप लोगों का क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों के बीच जो है मैं वीडियो बनाकर नहीं भेज पाया। इसके बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, ठीक है। लेकिन सभी समस्याओं को दूर करते हुए आप लोगों के समक्ष बहुत सारे वीडियो जो है जल्द से जल्द भेजने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो क्लास सिक्स के लिए ये वीडियो है। आप लोगों की जो पुस्तक है चंद्रिका, उसमें प्रथम पार्ट, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें जो प्रथम पार्ट है आप लोगों की, पार्ट एक चैप्टर वन, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, ठीक है। तो इस पार्ट में देखिए, इस पार्ट में जो कविता है, कविता का अंत यहाँ तक होता है, लेकिन पार्ट का जो है प्रारंभ करने से पहले ये जो कविता है, इसके कवि के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिन्होंने इस कविता को लिखा है, जिन्होंने इस कविता को रचा है, उसके जो रचयिता है, कवि है, उनके बारे में जानना अति आवश्यक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि इसके कवि जी हैं रत्नाकर जी, यानी रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जानते हैं, उनके जीवनी के बारे में, कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 को, और उनका देहांत हुआ है 24 अप्रैल 1974 को, और हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि एवं निबंधकार के रूप में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, जिनकी रचनाएं बहुत ही युगंधकारी मानी जाती है, और वो एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। ये हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी कविताएं, जिनके निबंध जीवन, जिनकी कहानियां जो है उच्च वर्ग, अगर आप लोग आगे चल के पढ़िएगा, पढ़ाई जारी रखिएगा, तो उसमें भी आप लोगों को इनकी कविताएं कहानियां पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। और इस पाठ में बताया गया है कि ये जो फिगर, ये चित्र है, इसके माध्यम से यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए आप लोग। अगर आप लोगों के पास पुस्तक उपलब्ध है तो आप लोग देखते होंगे कि इसमें दिखलाया गया है कि ये वीर सैनिक, जो भारत के, हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं, वो किस प्रकार से स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, है ना, शहीदों के स्मरण में, यानी उनकी यादों को फिर से जागृति करने के लिए लेखक ने, कवि ने एवं निबंधकार, है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी ने किस प्रकार से अपनी परियोजना के अनुसार इसका वर्णन किया है, ठीक है। तो चलिए पाठ का प्रारंभ करते हैं, कविता का प्रारंभ करते हैं। इसमें देखिए दिया गया है, इस कविता के माध्यम से उन शहीदों को याद किया गया है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत कष्ट सहे और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, मतलब अपने प्राण निछावर कर दिए, किसके लिए, देश के लिए। उन शहीदों को स्मरण करते हुए, स्मरण का अर्थ होता है याद करते हुए, कवि ने अपनी लेखनी के माध्यम से, यानी इस कविता के माध्यम से, उनके प्रति नतमस्तक भाव से श्रद्धांजलि अर्पित कर गौरव गान किया है, यानी उनका जो है प्रशंसा किया है इस कविता के माध्यम से। किसने? कवि ने, कवि ने करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इसमें जो है, इस पार्ट में रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताने का प्रयास किया है, प्रथम जो है 1 2 3 4 5 6, यानी प्रथम जो है 6 पंक्तियां, इसको मैं पढ़ूंगा एक एक पंक्तियों को, और उसका भावार्थ बताने का स्पष्ट करूंगा। चलिए इसमें क्या है पंक्तियां पढ़ते हैं। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मूल, कलम आज उनकी जय बोल, है ना। इस कविता के माध्यम से कवि का भावार्थ यह है, कवि यह कहना चाहता है, यानी कवि जो है कलम के माध्यम से, यहाँ पर देखिए कलम जो है वो कह रहा है, यानी कवि जो है कलम के माध्यम से लिखकर अपनी भावनाओं को उस वीर सैनिकों के लिए, जो देश के जो वीर सैनिक है, जो आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, जो देश के
सीमा पर जो देश की बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा करते हैं, किसके लिए? हमारे लिए, जन जन के लिए, सभी लोगों के लिए, ताकि सभी जो है चैन की नींद सो सके, ठीक है। वो दिन भर रात भर जो 24 घंटे जो है देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और सेवा करते करते किस बहुत कोई को प्राणों की आहुति देनी पड़ती है, जो शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है, कलम कह रहा है, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोलता है, यानी जय बोल रहा है, जय यानी विजय की घोषणा कर रहा है कि जो वीर सैनिक जो देश के लिए लड़ रहे हैं वो विजय भव, ठीक है। जला अस्थियां बारी बारी, और लड़ते लड़ते वीर सैनिक जो है देश की सीमा पर उनकी जो अस्थियां हैं, उनकी जो शरीर की अस्थियां हैं, वो बारी बारी छिटका गई है, यानी पटक गई है, यानी लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए हैं। जिसने चिंगारी और उनकी जो चिंगारियां हैं, यानी आग की जो चिंगारियां होती है, देखिए आग की जो चिंगारियां होती है वो मानो ऐसा लगता है कि उनको प्राण ले लेंगे, ठीक है। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, और वो लड़ते लड़ते हंसते हंसते पुण्य वेदी पर चढ़ जाते हैं, कहीं भी चढ़ जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, उनको ये डर, उनको ये भय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। फिर है, लिए बिना गर्दन का मोल, और अपने गर्दन का मोल, यानी गर्दन का यानी उनके शरीर का जो क्या महत्व है, यानी उनके पीछे भी तो बहुत सारे परिवार है, उनके माता है, पिता है, बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, ऐसा होगा भाई है, बहन है, लेकिन उनके वो चिंता नहीं करते हैं और देश के लिए सदा समर्पित रहते हैं। कलम आज उनकी जय बोल, कलम फिर से उनकी जय बोल रहा है, अर्थात उनको विजय की घोषणा यानी प्रशंसा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस 6 पंक्तियों का मैंने भावार्थ स्पष्ट किया, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, कलम आज उनकी जय बोल, कलम वीर सैनिकों की प्रशंसा करते हुए उनका जय बोल रहा है, विजय की घोषणा कर रहा है। जला अस्थियां बारी बारी, और जो अस्थियां हैं, यानी अस्थियां का अर्थ होता है हड्डियां, वो जो हड्डियां हैं, शरीर की हड्डियां हैं, वो बारी बारी से ऐसा लग रहा है टूट रही है, छिटक रही है, और चिंगारी की जैसे, आग की चिंगारी जैसे मानो प्रतीत हो रही है। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, और अपने गर्दन का कुछ सोचे समझे, वो पुण्य वेदी पर यानी पुण्य पर्वत पर कहीं भी वो चढ़ जाते हैं, ठीक है। कलम आज उनकी जय बोल, कलम फिर से उनका विजय की घोषणा कर रही है, उनकी प्रशंसा कर रही है, ठीक है। तो इसमें सैनिकों की वीर गाथा को रामधारी सिंह दिनकर जी ने दिखलाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना।